नमस्कार, मैं ज्योतिषा श्री कृष्ण जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चलिए शनिवार के दिन ऐसा कौन सा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए जिसके करने से आपके जीवन में घोर संकट आ सकता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए चर्चा करते हैं कि शनिवार के दिन ऐसा कौन सा कार्य निंदनीय है और जिसमें वर्जित भी कहा गया है कि ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। तो शनिवार के दिन कदापि कभी भी पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, और यदि आप शनिवार के दिन पीपल का पत्ता या डाली या कुछ भी तोड़ते हैं तो आपके जीवन में घोर संकट आ सकता है। वैसे शास्त्र में तो पीपल का वृक्ष काटना सदैव वर्जित माना गया, परंतु कई बार हमारे द्वारा हमारे घर में या कहीं होता है पीपल का वृक्ष उखाड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, डालियां तोड़ देते हैं। तो शनिवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष को क्षति ना पहुंचाए, ना उसकी डाली तोड़े और ना ही उसके पत्ते तोड़े। यदि शनिवार को आप ऐसा कोई कार्य करते हो तो शनि भगवान के प्रकोप से आपकी रक्षा कोई कदापि नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि शनिवार के दिन आप शनि पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, शनि भगवान की सदैव आप पे कृपा होगी। परंतु शनि भगवान के दिन आप पीपल के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए, आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उस तरह की नाना प्रकार की जानकारियों से जुड़े रहिए हमारे कृष्ण आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र के साथ में। आप सभी को कोटि कोटि नमन।